फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीबीएम की स्टडी जोन। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ व्हाट इज़ ह्यूमन राइट फर्स्ट ऑफ ऑल, देन टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट जो कि है आपका सोशल कल्चरल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइट्स। तो पहले है मीनिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन बींग्स आर रैशनल बींग्स, दे बाई वर्च्यू ऑफ देयर बींग ह्यूमन पॉजेस सर्टन बेसिक एंड इनेबल राइट्स विच आर कॉमनली नोन एज ह्यूमन राइट्स। तो हमारा अगर जनसिद्ध अधिकार है कि हमारे पास कुछ राइट्स होगा जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार, तो ये किसी पे डिस्क्रिमिनेट हम लोग नहीं कर सकते। ह्यूमन राइट्स को लेकर किसी कास्ट, रिलीजन, सेक्स, नेशनलिटी किसी के ऊपर लेकर हम लोग इसे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। सबके पास जनसिद्ध अधिकार कुछ होता है, इसे हम फंडामेंटल राइट्स, बेसिक राइट, इनहेरेंट राइट, नेचुरल राइट एंड बर्थ राइट भी बोलते हैं। तो ह्यूमन राइट्स आर डिफाइंड एज ऑल दोज राइट्स विच आर एसेंशियल फॉर द प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड क्रिएट कंडीशन इन विच एवरी ह्यूमन बींग कैन डेवलप हिज पर्सनैलिटी टू द फुलेस्ट एक्सटेंट मे बी टर्म्ड एज ह्यूमन राइट्स। तो आई होप कि आप मीनिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स समझ गए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन राइट। सो ह्यूमन राइट्स इज डिफाइंड एज अ सुप्रीम इनहेरेंट एंड इनएनिएबल राइट्स टू लाइफ, टू डिग्निटी एंड टू सेल्फ डेवलपमेंट। इट इज कंसर्न विद इशूज इन बोथ areas of civil and political rights and economic, social and cultural rights founded on internationally accepted human rights obligations. ये हमारा ह्यूमन राइट का डेफिनेशन। देन अब हम चलते हैं टाइप्स पर, ह्यूमन राइट के कितने टाइप होते हैं। तो हमारा फर्स्ट टाइप होता है ह्यूमन राइट्स का पॉलिटिकल राइट्स। सो द राइट्स दैट इन्वॉल्व पार्टिसिपेशन इन द एस्टैब्लिशमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ गवर्नमेंट एंड आर यूजुअली हेल्ड टू एंटाइटल द अडल्ट सिटीजन्स टू एक्सरसाइज टू द ऑफ द फ्रेंचाइज, द होल्डिंग ऑफ पब्लिक ऑफिस एंड अदर पॉलिटिकल एक्टिविटीज। वो राइट जो इंसान को अधिकार देते हैं कि वो वोट दे सके, पब्लिक ऑफिस होल्ड कर सके या अदर पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर सके, दैट आर कॉल्ड पॉलिटिकल राइट्स। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, सो लेट्स सी नाउ। Examples are right to vote, right to contest elections, right to hold public offices, right to form political parties and associations, etc., right to petition, right to criticize the government, right to protection in other countries and right to information. ये हमारे कुछ political right के examples हैं। Then इसके बाद आता है economic rights, second one. Economic rights include the right to work, the right to the free choice of employment and to just and favorable conditions of work, the right to form and join trade unions, the right to strike, the right to social security and the right to own property. ये सब हमारे economic rights में आते हैं, मतलब पैसे से अगर आप चाहते हैं तो employment आपके हिसाब से हो या right to own property, ये सब economic rights. Examples are right to work, right to adequate wages, right to property, right to rest and राइट टू इकोनॉमिक सिक्योरिटी, राइट टू फिक्स्ड आवर्स ऑफ वर्क, ये आते हैं हमारे इकोनॉमिक राइट्स के अंदर। तो द थर्ड वन इज सोशल राइट्स। सोशल राइट्स आर दोज राइट्स दैट आर नेसेसरी फॉर फुल पार्टिसिपेशन इन द लाइफ ऑफ सोसाइटी। दे इंक्लूड एटलीस्ट द राइट टू एजुकेशन एंड द राइट टू फाउंड एंड मेंटेन अ फैमिली, बट ऑल्सो मेनी ऑफ द राइट्स ऑफ इन रिगार्डेड एज सिविल राइट्स। फॉर एग्जाम्पल द राइट टू रिक्रिएशन, हेल्थ केयर, प्राइवेसी एंड फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। मतलब सोसाइटी में जितना भी आपको फुल पार्टिसिपेशन लेना है, डेट इज कॉल्ड सोशल राइट्स। ये आपका राइट है, सिविल राइट भी बोलते हैं इन्हें। एंड फॉर एग्जाम्पल राइट टू रिक्रिएशन, हेल्थ केयर, प्राइवेट प्रिवेसी एंड फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। सो कुछ एग्जाम्पल्स भी है इसके, सो लेट अस नाउ सी द एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स आर हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, रिक्रिएशन फैसिलिटीज, क्लीन इन्वायरमेंट, सोशल सिक्योरिटी। अब इसके बाद लास्ट आता है हमारा कल्चरल राइट्स। Cultural rights. Most modern constitutions provide for citizens cultural rights such as the right to education, scientific, cultural and artistic creativity, physical education and sports, as well as the right to a healthy life with an example of the protection on public health, nature and a healthy environment. तो ये सब होंगे cultural rights की। बहुत सारे constitution cultural rights provide करते हैं। चलिए कुछ examples भी देख लेते हैं इनके। तो examples are use your own cultural activities, ancestral domains and develop your own kind of schooling. So I hope you all like this video, and if you like this video then please like this video and subscribe my channel also. Thank you. और हाँ, इस वीडियो का PDF मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया, तो वहाँ से चेकआउट करके लिख सकते हैं। थैंक यू।